Hey guys, welcome once again to Pet Lovers Anutush. Guys, आज हम आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं। वैसे बेसिकली आपको थंबनेल देखकर तो पता लग गया होगा, बट आज डॉबरमैन को लेकर जो भी फैक्ट्स हैं, जो डाउट्स हैं आपके माइंड में, वो सब क्लियर करे जाएंगे। और मिलवाते हैं आपको हम जगतार पाजी से, जो कि चंडीगढ़ में अपने कैनल को ऑपरेट कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन और शानदार। थोड़ा जा अपने बारे एक इंट्रोडक्शन मेरे व्यूअर्स नूं दे दो। सत श्री अकाल पाजी, की हाल चाल है जी थोड़ा? वधिया वधिया पाजी। हाँ जी पाजी, मैं जगतार सिंह हाँ चंडीगढ़ तो, ठीक है। और मैं 2006 तो डॉबरमैन नूं डील कर रहा, ठीक है जी। और बाय शौक दे थ्रू असी इस लाइन च आए थे, पर हौली 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 बाय प्रोफेशन बना। तो गाइस 2006 से भैया मतलब अब हो चुका है 2023, और आप देख सकते हैं कितना मतलब कितने सालों का एक्सपीरियंस। और देख लो भाई ये डॉग, इनका जो प्यारा सा, बेसिकली मैं आपको बता दूं कि ये फीमेल है जिसका नाम है एली। तो पाजी डॉबरमैन के बारे में पहले व्यूअर्स को बताइए, जो लोगों के मन में डर है ना, सबसे पहले तो वो क्लियर कर दीजिए, क्योंकि लोगों के मन में ऐसा डर पैदा हुआ है डॉबरमैन को अगर कि ले लेते हैं है ना, कि ये काट लेगा या कुछ ऐसा, मतलब वो डाउट क्लियर करो सबसे पहले। इस तरह का ना कोई भी इहदे विच अग्रेशन नहीं है डॉग दे विच, ठीक है ना, ब्रीड दे विच है। वो सिर्फ बदनाम करन दा एक जरिया बना लिया लोगों ने। जे कोई चीज़ पहला फेमस सी डॉबरमैन का एक दौर सी, दोबारा तो भी यह दौर आना शुरू हो चुका है और दोबारा ट्रेंडिंग च आ चुका है डॉबरमैन, ठीक है जी। और इस तरह का कुछ नहीं है, टेम्परामेंट वाइज बहुत कूल है, लॉयल और प्रोटेक्टिव है अपनी फैमिली। तो पाजी अगर बात करें हम गार्डिंग की, गार्डिंग पर्पस के लिए कैसा है ये डॉबरमैन? गार्डिंग के लिए तो देखो जी, अगर कोई अनदर पर्सन इसको मिलता है या फर्स्ट टाइम आपके घर आता, तो ये अपनी प्रोटेक्शन के लिए गार्डिंग उनको बताता ही है कि हाँ भाई मैं हूँ यहाँ पे, मेरी प्रेजेंस है, ठीक है। अगर आप उनसे आके सोशलाइज करवा दोगे, आपकी फैमिली मेम्बर्स आते हैं या कुछ आते हैं, तो उसके रिगार्डिंग कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बट अगर कोई स्ट्रेंजर आता है या कोई अलग बंदा आता, लगता है इसको कि हाँ वो गलत है, तो ये जरूर उसके रिगार्डिंग अपनी प्रोटेक्शन करता है और फैमिली के भी प्रोटेक्शन करता है जी। व्यूअर्स का ना मेन वो फोकस रहता है पैसे पे, है ना, कि जैसे वो देख लेते हैं। कुछ लोग मेरे को भी बोलते हैं कि भैया ब्रीडिंग शुरू करनी है, किस ब्रीड पे शुरू करें। तो व्यूअर्स को बताइए कि जैसे ये डॉबरमैन में आप कर रहे हो है ना, इतने सालों से कर रहे हो, कितना पैसा कमा लेते हो भाजी? देखो जी, ये जो जो कुछ दिया भगवान ने ना, वो और इनकी कृपा से ही है सारा कुछ, ठीक है जी। हमारा बस ये एक शौक है, शौक के रिगार्डिंग जो भी इनकम जनरेट होती है वो हम, कई बार तो हमारा ऐसा भी होता है कि इन पे यूज़ हो जाती है, पर कई बार सेफ भी हो जाती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हमारा मेन मकसद ये होता है चलता रहना चाहिए भाजी, है ना, काम चलता रहे। क्यों एली? कोई दिक्कत नहीं है। तो एली है भाजी आपके पास, ये इसकी आईज का जो कलर है वो बहुत ही प्यारा लग रहा है। कौन सा मतलब कलर कौन सा आता है ये? ना एक्चुअली ब्राउनिश कलर की है, है ना, थोड़ा लाइट ब्राउन, हल्का सा ब्लू आ जाता है। और जो जैसे डॉग्स है तो उनका आई कलर क्या रहता है? आई कलर तो डिपेंड करता है उनकी बॉडी के कलर के ऊपर भी है। कहीं के कलर नॉर्मल होते हैं, ब्लैक आईज होते हैं, ठीक है जी, या कहीं जैसे हस्की वगैरह होते हैं उनमें ब्लू आईज आ जाता है। ये कलर कौन सा? कलर बहुत खूबसूरत है, ये लीवर एंड टैन कलर है जी। लीवर एंड टैन कलर बोलते हैं, तो शो में भी ये चल जाता है या शो में ब्लैक और टैन ही चलता है? नहीं नहीं, दोनों चलते हैं जी, ब्लैक एंड टैन भी चलता है और लीवर एंड टैन भी चलता है। ऑल राइट, तो बात करते हैं पाजी इनका जो ईयर होता है, सबसे मतलब जो ज्यादा खूबसूरत बनाती है इनको चीज, वो उनको ईयर होता है। तो ईयर की बात करते हैं, तो ईयर पाजी जैसे क्रॉपिंग करते हैं ना, तो ये कितने टाइम में लोग क्रॉप करवा सकते हैं ईयर को? इनका जो अपना अपना नजरिया है, कई बंदे तो नेचुरल रखते हैं कि भाई हमें, तो आपने पाजी ये नेचुरल रख रखा है? ये क्रॉप है, ये क्रॉप है, ये शो के रिगार्डिंगली एक्चुअली ये कॉस्मेटिक सर्जरी है। अगर आपने कोई शो खेलना है या कुछ है तो उसके रिगार्डिंग इसके जो अग्रेशन है या अपना उसके हाव भाव है वो सारी इसी से पता लग जाते हैं, कानों से, कान से ही पता लग जाता है कि ये कैसे है, रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, तो किसी हिसाब से आपकी तरफ ध्यान दे रहा है या नहीं दे रहा है। और अगर जैसे डॉकिंग की बात करते हैं, टेल डॉक है ना, तो कितने टाइम में पाजी करानी चाहिए, मतलब क्या सजेस्ट करोगे अगर कोई लेता है? और खूबसूरती, मतलब खूबसूरती की वजह से ही होता है बेसिकली, है ना, तो कितने टाइम में हम इसकी टेल को डॉक करा सकते हैं? जो प्रॉपर वे है ना वो विदिन 7 days होती है। विदिन 7 days? हाँ जी। ऑल राइट, बाय बर्थ के 7 दिन के बीच बीच में इसकी जो टेल डॉकिंग करवानी जरूरी होती है, अगर उसके बाद करवाते हैं तो थोड़ा सा इन्हें पेनफुल हो जाता है। तो जैसे ये एली है पाजी, ये फ्रेंडली है कि कैसे है? नहीं ये बिल्कुल फ्रेंडली है, ये बिल्कुल ही फ्रेंडली है। तो हाय एली, ये शो के हिसाब से है तैयार हुई हुई फीमेल, ठीक है, तो इसे हम हर एक बंदा मतलब हाथ लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे शोज में होते हैं वो जज इसकी बाइट हो गया,
ठीक है, प्रॉपर स्ट्रक्चर चेक करते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो हाइट की बात करें पाजी, हाइट कितनी चली जाती है इसकी? देखो मेल की आइडल हाइट होती है 28.5 के नियर बाय, ठीक है, 28-29 भी चली जाती है। ऑल राइट, फीमेल की आइडल हाइट मानी गई है अमेरिकन कैनल क्लब और KCI के रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से, वो 26.5 आइडल। 26.5। देखो यार गाइस, मैं आपको एक चीज बता दूं, मतलब जैसे पाजी ने ट्रेन कर रखा है इसको डॉग शोज के लिए, बहुत ही मतलब अच्छे से ट्रेन कर रखा है, तो आप देखो मतलब जिस हिसाब से ये खड़े होते हैं ना इनके डॉग्स, तो ऐसा लगता है कि इन्होंने खुद से ही एक स्टैक लगा दिया है। और आप देख सकते हो यार, बहुत ही खूबसूरत ये डॉग है। तो पाजी आपके कैनल में कितने डॉग्स हैं एट प्रेजेंट? देखो मेरे पास अभी तो फिलहाल 7 फीमेल हैं। 7 फीमेल्स, तो पाजी 7 फीमेल्स को मतलब कैरी करना कैसा रहता है, मतलब बताइए व्यूअर्स को, क्योंकि यार लोग क्या करते हैं कि एक डॉग ले तो लेते हैं ना शौक के लिए, उसको भी मतलब उसकी केयर भी नहीं कर पाते, पर सात डॉग्स को मैनेज करना पाजी कैसा रहता है? एक्चुअली ये दो जगह सेटअप है, एक चंडीगढ़ में है जी, एक हरियाणा में है। ऑल राइट, जो मेरे कजन्स हैं वो हरियाणा में हैं, ठीक है जी। कुछ फीमेल्स जो हैं हमने उनके पास अभी दे रखी होती हैं, ठीक है, जो अकॉर्डिंग टू ब्रीडिंग होती है, तो हम यहाँ फिर चंडीगढ़ में करते हैं। ओके, तो पाजी जो इनके पपीज वगैरह होते हैं, इनकी एवरेज प्राइसिंग क्या रहती है? एवरेज प्राइस सर मेल का रहता 40 और फीमेल का रहता 35,000। ठीक है, तो कलर पे भी पाजी डिपेंड करता है कि कलर जैसे ये लिवर एंड टैन है या फिर ब्लैक और टैन है, उसमें कोई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, ऐसा दोनों का प्राइस सेम रहता है। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर बच्चे करते हैं। कि इनकी जो एज है, एवरेज एज कितनी रहती है? सर देखो वो डिपेंड करता है आपके रख रखाव पे भी, बहुत चीज़ें मैटर करती है कि ऑनर कैसे रख रहा है या वो जो डॉग लवर है वो कैसे रख रहा है जी। मिनिमम एज जो रहती है वो 13 साल रहती है और 13 to 15 years चली जाती है। तो बात करते हैं पाजी की मील्स में कैसा रहता है इनका, 2 times रहता है या 3 times रहता है? देखो अकॉर्डिंग टू एज है जी ये भी। अच्छा, ठीक है जी। जैसे 6 महीने से पहले जो बच्चा छोटा होता है उसे 4 times मील देते हैं जी, ठीक है, ठीक है जी। जो 6 महीने से 9 महीने या 12 महीने तक है फिर 3 times कर देते हैं जी। ऑल राइट, अडल्ट हो जाता है जब वो 12 महीने के बाद में। तो अगर किसी ने पाजी जैसे कुछ लोग होते हैं कि वेज कोई है ना प्रेफरेंस देते हैं, तो उस पे भी हम रख सकते हैं, वेज डाइट पे भी रख सकते हैं इनको? देखो जी वेज डाइट पे रख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट उसके साथ में अगर आप कोई एडिशनल डॉग फूड यूज़ करते हो तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि इसमें क्या होता है प्रॉपर इनके जो है बैलेंस डाइट मिल जाती है डॉग को ना। कई बार वेज में क्या होता है कुछ प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है या कुछ मिनरल्स कम हो जाते हैं, तो अगर आपने मान लो कि कोई नॉन वेज नहीं यूज़ करता घर में, तो आप उसके साथ में उसका डॉग फूड होता है उसमें सारा कुछ इंक्लूड होता है। ओके, तो एक्सरसाइज की बात करते हैं पाजी। एक्सरसाइज मतलब जैसे मॉर्निंग इवनिंग वॉक तो करानी पड़ती है ना, तो फिर मतलब कैसा रहता है, कितने किलोमीटर चाहिए इनको एवरेज? वो डिपेंड करता है वेदर पे भी आपके। ओके, अगर तो थोड़ा सा गर्मी का मौसम है तो इन्हें हीट स्ट्रोक होने का ज़्यादा खतरा रहता है। गर्मी में अगर आपने वॉक करवानी भी है तो आप अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट करवाइए। कितना मतलब कितना? 2 to 2.5 kilometers। 2 to 2.5 kilometers, तो ये ब्रीड मांगती है। और एक टाइम में जैसे मतलब अगर किसी को देखो, किसी ने शौक की बात होती है ना, शौक किसी ने पाला कि डॉबरमैन लेना है पर उनके पास स्पेस कम है, तो क्या आप क्या मतलब बोलते हो कि वो रखें या ना रखें इन डॉग? नहीं देखो, डॉबरमैन का स्पेस के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है। अगर आप घर में खुला रखते हो, मान लो आपका 2 BHK है या 3 BHK है, अगर आपके घर में खुला रह रहा है तो उसका वैसे ही वर्कआउट होता रहता है डॉग का, ठीक है। और मॉर्निंग और इवनिंग आपको टाइम देना जरूरी है, मतलब कम से कम तो 2 times इसको सैर पे ले जाना, मतलब अपने डॉग को टाइम दो है ना, जगह की कोई बात नहीं है, सो तो आपके साथ बेड पे भी जाएगा। क्यों एली? तो ये एली की बात कर लेते हैं भैया, एली कितने टाइम की हो चुकी है? ये सर 2 साल 2 महीने की हो चुकी है। 2 years की हो चुकी है। तो इसके बेबीज वगैरह भैया हुए कभी? नहीं अभी नहीं। अच्छा अभी मतलब अभी ये मेट हुई है अभी। अच्छा मेट हुई है, तो इसके बच्चे भाई खूबसूरत से ऐसे बच्चे यार मतलब मिलने वाले हैं। तो पाजी का कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह तो मैं डिटेल्स तो आपको दे ही दूंगा, और वैसे भी भैया के पास बहुत ही शानदार और प्यारे ऐसे पपीज मिल जाते हैं भैया। जैसे ये एली है तो ये चैंपियन डॉग तो है ही है ना, मतलब अभी ये चैंपियन नहीं है, ये इसका अभी 1 cc कम्प्लीट होना रहता है। अच्छा 1 cc के बाद ये चैंपियन हो जाएगी? अभी ये अभी सर्दियों में आएगा ना 100 सुबह, तो ये चैंपियन हो जाएगी। तो बिल्कुल वो तो 1 cc कम्प्लीट है ऑलमोस्ट, वो तो भैया हो ही जाएगी, इतनी खूबसूरत आपके पास बच्ची है ना। हाल पंचकूला और अमृतसर में ये ऑलरेडी विन कर चुकी है। ओके, तो वेट की बात करते हैं भैया, वेट कितना चला जाता है इनका? वेट सर इनका जाता मेल का 40 to 44 kg,
ठीक है जी। और फीमेल का जाता 35 to 38। तो भैया बात करते हैं कि आपका कोई और बिजनेस भी है या फिर इसी पर ही फोकस किया हुआ आपने? देखो मेरा मेन जो है मेरा प्रोफेशनली डॉबरमैन में ही मैं डील करता हूँ। अदर किसी ब्रीड में मेरा ज्यादा कोई इंटरेस्ट भी नहीं है और ना ही मैं कुछ डील करता हूँ। 2006 की बात कर लेते हैं भाजी, क्या मन में ऐसी बात आई कि हाँ भाई डॉबरमैन लेना है, कोई और ब्रीड क्यों नहीं? एक्चुअली जी मैं छोटा था स्कूलिंग टाइम में, तो मेरे ब्रदर मेरे लिए लेके आए थे, ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ती गई हमने उस फीमेल से भी ब्रीड किया बीच बीच में, ठीक है। फिर और अच्छी जो फीमेल है, जो अच्छी फीमेल्स का स्टॉक है वो ऐड ऑन किया हमने अपने कैनल में, ठीक है जी। वो मकसद था कि बस डॉबरमैन ही रखना है और कोई रखना ही नहीं है। प्यार पड़ गया ना आपका, मतलब आपके भाई फर्स्ट डॉग हो गया। मेरे बड़े ब्रदर हैं रियल ब्रदर, वो मेरे लिए लेके आए थे फीमेल। तो गाइज मैं आपको एक चीज बता दूं यार, मतलब ये होता है कि देखो डॉग पाल लो, शेर पाल लो, कुछ भी पाल लो, पर जब तक आप उसको केयर नहीं दोगे ना, मतलब वो आपकी केयर नहीं करेगा, ठीक है। अब एली देख लो, इतनी प्यारी है, भैया ने इतनी केयर से इसको रख रखा है ना, मतलब डॉबरमैन सच में यार, मतलब डॉबरमैन हो गया, जर्मन शेफर्ड हो गया, जिन जिन मतलब जो बड़े डॉग्स हैं ना, बेसिकली वो ऐसा मन में ना डाउट रहता है, एक थॉट रहता है कि यार ये तो मतलब उसको काट लेगा, या फिर जैसे पिटबुल का रहता है ना, पिटबुल की वीडियो भी बहुत जल्द आने वाली है कि ऐसा करेगा वैसा करेगा, नहीं यार मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है, लिटरली आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुत्ता तो यार अगर छोटा भी हो बेसिकली है ना, तो अगर उसको उसकी भी केयर नहीं करोगे, उसको नहीं सिखाओगे, उसको ट्रेन नहीं करोगे, वो भी वैसा बनेगा, है ना। तो ये तो इतने प्यारे होते हैं ना, ठीक है इनका हाइट वेट यार थोड़ा ज़्यादा होता है, मतलब दिखने में लगते हैं, पर सच बताऊँ तो ऐसा नहीं होता यार। इस मतलब जो ये अफवाह फैला रखी है ना लोगों ने कि ऐसे होते हैं डॉग्स, क्यों पाजी सच बोला ना मैंने? देखो जी मैं बताता हूँ, एक्चुअली जो कोई भी डॉग है ना वो बाय बर्थ कभी भी किसी को बाय बर्थ कभी नहीं होता, सीखता है, बिल्कुल। अब देखो जो पिटबुल है या कोई भी हम डॉग फाइट करवाते हैं, उन्हें वैसा माहौल बनाया जाता है शुरुआत में, तो फाइट मत कराओ यार, क्यों करानी फाइट? वो चीजें जो करवाते हैं तो वो गलत है ना, तो वो डॉग को तो वही चीज लगती है। अगर आपका बच्चा उसके पास जाएगा वो क्या करेगा, फाइट ही करेगा ना फिर उससे, बिल्कुल। अगर आप डॉग को रखोगे शुरू से अपनी भाई अपने बच्चों की तरह ही होता है यार, जैसे अपने बच्चों को ट्रेन करोगे मतलब बिल्कुल वैसे ही होता है। तो यार ऐसे खूबसूरत से बच्चे अगर किसी ने लेने हो यार, बहुत मतलब मेरी व्यूअर्स जो मतलब बेसिकली वीडियो आपके लिए है, बेसिकली वीडियो जो है गाइज आपके लिए है, उन लोगों के लिए है जो बोलते हैं कि भैया डॉबरमैन दिखाओ, डॉबरमैन लेना है, तो ये देखो भाई इतना प्यारा, इससे प्यारा कहाँ ही मिलेगा, मतलब होंगे जरूर पर ऐसी क्वालिटी, मतलब चंडीगढ़ के आसपास अगर किसी ने लेनी हो तो पाजी को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। पाजी एक बार फिर से व्यूअर्स को अपना कॉन्टैक्ट नंबर नाम एक बार दोबारा शेयर कर दीजिए। मेरे जो कैनल का नाम है वो मादरेस कैनल है, ठीक है जी। आप इसको इंस्टा, यूट्यूब और फेसबुक पे भी आपको मिल जाएगा, और कॉन्टैक्ट नंबर है 9464541933, ठीक है जी। और हमारी ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी का भी है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी बंदा हमारे से कॉन्टैक्ट करता है तो हम सारी जगह डिलीवरी भी करते हैं। भाजी अगर हमें चाहिए होगा है, हमें तो आके हमारे घर में ही दे जाओगे, क्योंकि यार हम भी इनके घर के पास ही रहते हैं ना, हमें तो आके साथ में ही दे जाओगे ना, डिलीवरी के भी चार्जेस बच जाएंगे हमारे। ठीक है फिर अली मिलते हैं फिर हम, है फिर कभी मिलते हैं, बाय। तो बोल दो फिर व्यूअर्स को, बोल दो कि लाइक कर दो यार, है ना, कमेंट करके बताना कि मैं कैसे लगी, और है ना बच्चे भी यार मैं पाजी से एक वीडियो लेने की कोशिश करूंगा, हो सकता है कि आने वाले समय में आपको जो वीडियोस होंगी वो पपीज के साथ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है जी। अभी ये थोड़ा मौसम के हिसाब से भी हम जो पपीज थे अभी मेरे पास, बट वो सोल्ड आउट हो चुके हैं अभी, तो जो नेक्स्ट होगा लेटर तो मैं पाजी को जरूर वीडियो आपको कंटेंट शेयर करूंगा उसका। कर दो फिर सब्सक्राइब कर दो जिसने अभी तक नहीं किया, क्या सोच क्या रहे हो, ठीक है मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।